अब आखिरकार मैं इस्तेमाल करता हूं ये वेनम घात। ये कद्दू कर लो, पता नहीं कहां फेंक दिया इसने। तो भाई लोग कैसे हो, तो वेलकम द बैग बैग द वेलकम और वेनम वेनम आ चुका है। वेनम तो पता नहीं, वेनम का घोड़ा हो चुका है और वेनम का हाथ ही ले गया है बस। लेकिन देखेंगे क्या है ये सीन वेनम। बस इन्होंने देखो ज्यादा कुछ नहीं है, ये है यहाँ पे कुछ पेटी पुटी दिखी हुई, घोड़ा है और घोड़ा नहीं ये हथौड़ा इसकी भैंस की लकड़ी। मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या क्या सीन है। लेकिन आज तुम्हारे भाई ने सोच लिया था वेनम चलाएंगे जी, वेनम का घोड़ा चलाएंगे, वेनम का हथौड़ा चलाएंगे और हाथ सोच लिया था मैंने। तो हाँ देखो यहाँ पे ये जगह थी, यहाँ पे घोड़ा मिलता है मिलता है, जहाँ पे काला काला सा हो रखा हो, मेरे को पता था यहाँ पे मिलता है। मैं आता हूँ इसको उठाता हूँ और ये देखो अटैक अटैक मेरा कद्दू, कोई अटैक ना हो रहा। ये देखो अटैक से ये बंदा गोल घूम रहा है और ये पता नहीं कहाँ फेंक दिया मैंने। बॉट है ये बॉट, एचपी देखो मेरी, ठीक है तो अटैक जैसा कुछ नहीं। रुक जाने ले, ये नहीं ऐसे तैसे इसकी अटैक के नाम पे ये बुद्धू बना रहे। ये पेलता हूं मैं इस बॉट को, देखो अटैक उटैक से वो जो पानी वाला अपडेट था ना जिसमें वो बंदे ऐसे बैकफ्लिप खाते थे वही है बस। बस इसमें तुम्हें मुंह पे जाना पड़ेगा, क्या नल पठाई है। खैर तुम्हारा भाई ये कालू घड़े को वापिस से भूरा करा देता है। और ये देखो पहले मैं तुम्हें दिखा था उछलने वाली टेक्निक, उड़ जा सबसे बैग, काफी लंबा उड़ता है वैसे देखा जाए, वैसे देखा जाए वो लंबा काफी उड़ता है, प्लस हाथ भी मार सकते हैं, काफी स्लो है ये। स्पाइडरमैन का था यार एकदम फचाक करके एकदम जाता था, लेकिन ये डालता है फिर पीछे खींचता है फिर दोबारा डालता है, मतलब स्लो है स्पाइडरमैन जितना बेहतर नहीं है। ये देखो डालता है खींचता है फिर जाता है, वो बात नहीं आई, वो मजा मजा नहीं आया इस वाले में, समझ रहे हो। मैं ये नहीं समझता है ऐसे क्यों बनाते हैं, जैसे ही स्पाइडरमैन बेहतर बना चुके हैं तो इसको थोड़ा बराबर या कुछ थोड़ा अलग कुछ तो करो, स्लो क्यों करता है। खैर अभी देखो ये इस्तेमाल करेगा तुम्हारा भाई, आ जाओ इस घोड़े को वापस से कालू बना दिया। एक और बात इस घोड़े की, इस घोड़े पे बैठ के तुम गोली नहीं चला सकते। वाओ वाओ क्या बुद्धि बताए इनकी, क्या बुद्धि है। देखो ये भाला फेंकता हूं मैं, तुम गोली नहीं चला सकते ना पीछे वाला चला सकता है। अरे तो मैं करूं क्या इस घोड़े का, ये काम का किसके, स्पीड उसकी इतनी है 90, नॉर्मल घोड़ा भी 90 भागता है, मैं गोल और मैं क्या करूं, ये थ्रो करूं क्या होगा उससे। खैर ये देखो इस कमरे पे एक बंदा कैम कर रहा था, तुम्हारा भाई चढ़ जाता है यहाँ पे और ये ले छोड़ू और इस कदर इसको लपेट पेलता है। लेकिन ना देखो इस वाले मैच में ऐसा कुछ खास था नहीं, ये मैच मैंने पूरा खेला भी नहीं, बस ये घोड़ा देखने गया था कि घोड़ा है कहाँ। लेकिन आ जाओ ये वो मैच है, घोड़ा बस वही उन चुनिंदा जगहों पर और घोड़ों पर मिलेगा, समझ रहे हो, घोड़े का आम वेनम काम घोड़ों पे मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये भी दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे अलग हूँ फिर वहां अलग जाऊँ उस चीज के लिए। लेकिन कोई ना, जाओ लठ पेलना चालू करते हैं। एक बंदा पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने, ये डाली उसकी पूरी पेटी, थोड़ा सा लूट दाबनी पड़ेगी मेरे ताऊ जी, थोड़ी लूट दाब के मैं आगे की ओर आगे बढ़ पड़ता हूँ। ये देखो और बंदे लैंड हो गए उधर, मैंने बोला आ जाओ भिड़ लो, पहले भिड़ लो इनसे। ये तो फिलहाल नियत थे और नंगे ही थे, मेरा टीममेट पीछे पिट चुका है, किसी ने दूर से बैरल चला दी, साला बैरल कौन चला रहा है दूर से। लेकिन हाँ थोड़ा करता हूँ इंतजार, अभी अंदर उंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम देखना क्लच क्लुच जो पीला देंगे, पहले मैं देखो बाहर की हो रहा था, एक बंदा यहाँ कैम करके बैठा है और मैं नेट डालने वाला था, ये देखो ये भाग जाता है साले बेशरम, कही गए पैराशूट खोल दिया, गलती कर दी इसने, ये गलती मैं भी करूंगा टेंशन ना लो। आगे देखो फिलहाल देखो इसको पकड़ा, इसकी पेटी डल ही जाएगी शायद, नहीं डल ही जाएगी मेरे ख्याल से, इसको छोड़ो, इसको छोड़ के मैं चल देता हूँ बाकी बंदों को पहले के लिए। अभी घर के अंदर उंदर जाना पड़ेगा, लूट लूट कुछ थी नहीं इधर पे खास, तो मैं चल देता हूँ यहाँ मेन बिल्डिंग रश करने। उसकी किल आई नहीं मेरे ताऊ जी अभी तक और मेरे को लगता भी नहीं अब किल आने वाली है उसकी, बदाक सेट के राइट पे बंदे बैठे पड़े, दाब के बंदे बैठे पड़े। और ये देखो किसी पर एक सूट भी है, टेंशन ना लो पेलेगा तुम्हारा भाई उसको भी, ये लायर एक सूट है मैक्स। एक किल चोरी कर दी, ये सामने से बहुत डीपी चला था लेकिन तुम्हारा पाइप यहां से किल ले जाता है। और ये देखो ये बंदा भागना भूकना चालू करता है, मैंने एक एसी डाल देता हूँ अंदर कमरे कुमरे में गया होगा वो, मौली एसी डाल दी। अभी मैं बोलता हूँ आओ चले राइट पे, स्मोक हमने डाल दिया है, कहीं तो रस करना ही पड़ेगा, यहां बैठ के कुछ ना होने का, चलो राइट चलो रस कर दे। तो करना क्या था, ये एक दो तीन भाग गया तुम्हारा भाई और अंदर बंदे देखो,
तीर पकड़ लिए, सीधा तीर बंदूक की पेटी इधर पेल दी। मैं आ गया। यूएमपी जो चलती है ना कभी कभी मजा ही आ जाता है। यूएमपी है तो खतरनाक, खतरनाक तो ऐसे शुरुआत में तो यूएमपी चलाओ भाई, कुछ चलाने की जरूरत नहीं। और उसमें एक्सटेंडेड लग गया, अरे पूछो मत, फिर तो जो पेला देती है यूएमपी मजा ही आ जाता है। लेकिन अभी अपने 6 किलो चुके थे, इधर जाते हम लोग इधर रस करने के लिए। ये देखो अभी एक्सूट वाला बंदा दिखाता हूं तुम्हें, फटाफट देख लेना। लेकिन पेटी बन जाती है ना उसकी जल्दी, तुम्हारा भाई पेटी जल्दी डाल देता है, फटाफट देखना। ये देखो आगे गोली चल रही है और ये रहा बंदा। चलो दूधू भी क्या नाम, डैडी, डैडी गेमिंग इसका नाम था। अरे कोई बात नहीं, एक्सूट था इस पे गाइस, महंगा पेलता हूं मैं सीधा, पेटी ही डाल दी, एक सेकंड का मौका ना छोड़ा। उसके टीममेट लोग होते इधर पे, लेकिन आख वो लोग पता नहीं फिर इधर उधर भाग जाते हैं, मैं भी इधर उधर भाग जाता हूँ। एक बंदा यहाँ से रश कर रहा होता है, मैंने बोला इसको पकड़ो, ये चालाकी करता है, चालाकी कर बे। मैं पहुँचता हूँ इधर, इसकी बंदूक देखना कौन सी है, क्या पकड़ के ला रहा है, S12 के। ये डेंजरस हो सकता था, बंदा S12 के लेके आ रहा है, ये डेंजर हो सकता था। लेकिन तुम्हारा भाई लठ पेल यहीं पे दे देता है इसको और मजा आ गया, 8 किल, कोई दिक्कत की बात ना हो। खैर हो सब बताओ, अभी आगे पे बंदे बैठे पड़े हैं, स्मोक हम लोग डालते हैं। ये डब्बा खोलने का ये जो अचीवमेंट है वो करना है गाइस, ताकि मेरी स्किन खुल सके। पता है जब तक स्किन खुलेगी ना तब तक तो ये गेम चला जाएगा, अपडेट चला जाएगा, मजाक सके। तब से मैं जूझ रहा हूँ स्किन खोलने के लिए। अभी देखो ये जो आगे कमरा है वहां पे बंदे आ चुके हैं, मैं तो लूट नापता हूँ और वापस चल देता हूँ। लेकिन खुजली खुजली है ना, मैं क्या करता हूँ इनको पहले के लिए मैंने सोचा नीचे उतरूंगा, नीचे कूदूंगा। अरे मेरे कद्दू का, बहुत बड़ी गलती मेरे ताऊ जी, बहुत बड़ी गलती। मैं दिखाता हूँ तुम्हें गलती क्या हो गई, कि मैं ये भूल गया ये बंदा पैराशूट खोलता है, मैंने गलती कर दी पैराशूट खोल के। देखो यहां से मैं कूदता हूँ, बहुत बड़ी गलती, इधर नहीं देखना था। और ये भी इससे अच्छा मैं डैमेज ले लेता हूँ, इससे अच्छा मैं उतर के डैमेज ले लेता। यहाँ पे गाइस कुछ नहीं होता, हम लोग पिट जाते हैं, मेरे टीममेट लोग थोड़ी देर के लिए संभालते, लेकिन दिक्कत हो जाती है, मैं पिट जाता हूँ। आते आते हम लोग पिट जाते हैं, छोड़ो उसे, मैं रिकॉल होता हूँ, इधर उधर से थोड़ी बहुत लूट जाता हूँ, वापिस से आया हूँ। यहाँ पे आया हूँ वेनम का घोड़ा लेने, पता चला यहाँ पे मिलता है, मेरे को पता नहीं था, वैसे पोचंकी जा रहा था मैं, ये मिला वेनम का घोड़ा। मैंने बोला आ जाओ इसको ले लिया जाए, आज मैच में यही चलाएंगे, क्योंकि देख लिया जाए ना नया अपडेट है, देख लिया जाए क्या क्या है क्या नहीं। ये देखो पहली बात तो इस पे गोली नहीं चला सकते, ये सुन के मेरा माथा लग खराब हो गया। ऊपर से ये इस घोड़े पे बूस्ट मिलता है, लेकिन ठीक है चलो बूस्ट मिलता है, लेकिन गोली क्यों नहीं चला पा रहा हूं मैं, ये बात बहुत नलपट सी है, बहुत नलपट सी। और इसकी स्पीड सेम क्यों है, वेनम का घोड़ा सेम दौड़ रहा है, नॉर्मल घोड़ा सेम दौड़ रहा है, करूं क्या मैं इसका। लेकिन पेटी तुम्हारा भाई बराबर बनाएगा, पैसे मत लेना। एक किल जो लो किल मिलनी थी जो वो भी मेरे ख्याल से चोरी कर गई है। खैर अभी देखो तुम्हारा भाई लेता है ये वेनम का हाथ, इसका तो डिस्टेंस भी ज्यादा पास नहीं है ऐसी तैसी की। ये देखो यार डालता हूँ मैं और क्या होता है, ऐसी तैसी की उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा हुआ कोई था नहीं, नहीं तो यहीं पे पिल जाता, मजाक से हट के अच्छा हुआ कोई नहीं था, यही पिल जाना था हमने, मैं एक्सेप्ट के गाइस। खैर वो सब बताओ, ये चलता हूं मैं वापस, बूम चढ़ा सिम से। और ये देखो अभी आगे बढ़ा, चल छोटू तू भी क्या हो, ये पकड़ा वापस यहीं पे, देख रहे हो बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स तो लगाई तो है, मजा तो आया इससे वेनम के हाथ से, ठीक है हाँ ठीक है, इतना बुरा नहीं हाथ। स्पाइडरमैन जितना फास्ट नहीं है, लेकिन हाथ से मेरे को ना ज्यादा शिकायतें नहीं है, जितनी शिकायत मेरे को घोड़े से। अरे किसी काम करिए वो नलपट घोड़ा, उससे बढ़िया तुम हाथ रखो और घोड़े को नॉर्मल बना के चलाओ, कोई फायदा नहीं है वेनम का घोड़ा बनाने का, जीरो फायदा। बूस्ट चाहिए उससे अच्छा साला मैं बूस्टर मार ही लूंगा यार, इतना बूस्ट तो मिल ही जाता है लूट लेके आओ। ये देखो ये अटैक किसी काम का नहीं है, डबल जंप है लेकिन वो भी ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ अलग नॉर्मल सी डबल जंप है जो दूसरे घोड़े पे थी। लेकिन हमने सोच लिया इस मैच में घोड़ा चलाएंगे, इसी चक्कर में आगे गड़बड़ हो जाती है। यस यस देखते रहो, फिलहाल यहाँ पे आता हूँ, बंदे दिख जाते हैं आगे, 2-3 बंदे। तुम्हारा पाई एक को नॉक करता है, बेनाम बंदा, इसका कोई नाम ही नहीं। और मैंने गलती से ड्राइव की जगह रिट्रीव दबा दिया, तो अब ये घोड़ा नॉर्मल हो चुका है, क्या मैं बोलूं।
कोई बात नहीं यादव, सेम बात है, बात सेम है, रफ्तार सेम है मेरे ताऊ जी, सेम बात है। यहाँ पे आप लोग उतर जाते हैं, आगे बंदे बैठे, पंगा भिड़ जाए, पंगा आ जाओ, ये रहा, वापिस से नॉक किया उसको, उसी बंदे को वापिस नॉक किया, ये रिवाइव हो चुका था नल्ला, बहुत बंदे अभी आगे, चार बंदे बैठे हैं, नेड़ आ गए, तना तन नेड़ आते एक के बाद एक, बगैर रुके नेड़ आते यहाँ पे, ये ले नेड, ऐसी तैसी, मैं एक और नेड फेंकता हूँ गाइस, वो बंदा डर के भाग गया पीछे, याद रखना वो बंदा अभी बहुत दिक्कत देगा, टेंशन मतलब, वो एक किल तो मेरे को मिल गई जिसको मैंने नॉक किया था, एक बंदा पीछे भागा, मैंने बोला कोई दिक्कत नो, कोई भी दिक्कत नो, ये कौन है देखो, ये पता नहीं क्या है, ये दूसरी टीम का है या ये बॉट था, मेरे को नहीं पता, कपड़े बॉट वाले थे, पता नहीं मेरे को कुछ ठीक से, लेकिन वो सब बताओ अभी रश करने के लिए जाना पड़ेगा हमको, हमारे भाई ने यहाँ पे नॉक निकाला था, मैं ढूंढने जाता हूँ बंदा है तो है कहा, एक बंदा यहीं कहीं नॉक किया था मेरे टीममेट ने, उसको ढूंढ रहे होते हम, कहीं वो रिवाइव ना हो जाए, वैसे हो जाए रिवाइव मेरा बढ़िया, ये देखो ये रहा ऊपर नल्ला, ये रिवाइव ना होता जी, ये पिटेगा, इसका टीममेट अंदर भाग चुका है, कोई नामो निशान नहीं इसके टीममेट का, ये पिटेगा टेंशन ना लो, हम लोग यहाँ पे आते गाड़ी चलेगी यहाँ पर, ये डालते इसकी पिट्टी, आगे गाड़ी है, पहले वाला कोई दिक्कत ना, गाड़ी से लड़ लेंगे, पहले लूट तो दाबलू, लूट थोड़ा तमीज से दाबलू, और ये देखो पड़ गई गोली, अब मेरा टीममेट नॉक, ऐसी तैसी इसकी नॉक दे दिया, देखो दूसरा बंदा भी स्प्रे दे रहा है, लेकिन देखो बंदे तुम्हारे भाई ने नॉक नॉक दे रखे, अभी बारी है रस करने की, मैं हूं तैयार, आ जाओ रस करें, मैं ले जाता हूं ये घोड़ा, देखो हम कार कूर नहीं चला रहे, जानबूझ के घोड़ा चला रहे, कार छोड़ के आया वो पोचंकी पे, जानबूझ के घोड़ा चला रहे क्योंकि ट्राई करते हैं, अब मेरे को उतरना पड़ा क्योंकि मैं जानबूझ के वैनोम घोड़ा चला रहा हूं, मेरे को यहीं उतरना पड़ा, मेरे ताऊ जी नहीं उतरता पिट जाता, दिक्कत हो जाती, नेड नूड आने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उतर भी आ तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब हो जाती है जब ये बंदा पता नहीं कहां से आके क्या स्प्रे देता है, मैं तो कसम से क्या बताऊं, गड़बड़ हो गई जी, अब ये स्मोक है, स्मोक की वजह से मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा, हम सेफ तो है लेकिन घाटा भी है, कुछ पता ही नहीं, मेरा टीममेट पिट गया, पेटी भी डाल दिया हमारे भाई की, बग्गी चला रहे थे पिट गए पता नहीं कैसे, ये कब आया यूएमपी, मुझे पता ही नो गाइस, मजाक छेड़ के मुझे पता ही नो क्या चल रहा है, हमारे भाई लड़ते थोड़ा सा, लेकिन पेटी डल जाती है, ये देखो साइड से कोई पेल के चल देता, और ये वैनोम घोड़ा तेरी भैंस कलकना, ऐसी तैसी इस वैनोम घोड़े की, तो हाँ घोड़ा किसी काम का नहीं है, वैनोम का हाथ ठीक है बढ़िया, इधर उधर उछल भी सकते हो, मजा तो आई जाएगा हाथ में, लेकिन ये घोड़ा ये नलपट है, और ये भागते हुए जीप भी निकालता है नल्ला, कहीं लाइक मिलते हैं, बाय बाय।